हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में आज के स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट स्लाइड में कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी डिस्कस किया था, जिसमें हम इनसाइटिव और एक्साइटिव यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल कंजर्वेशन की बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी या फिर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, हम अपने इंडिया की भी बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से रिच एरियाज़ हैं जहाँ आपको रिचनेस मिलेगी बायोडायवर्सिटी में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज द मीन ऑफ हॉटस्पॉट एंड हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इज रेफर टू एज द वेरिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, अगर मैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करूँ, पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात करूँ, तो वहाँ पे जो वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और स्पीशीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, उसी को हॉटस्पॉट ऑफ उसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अगर उन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर हैं, रिचनेस बहुत ज़्यादा है स्पीशीज़ की, ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ इवननेस एंड स्पीशीज़ रिचनेस फॉर्म अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच बायोडायवर्सिटी एंड हैज़ अराउंड 24.46% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इंडिया को भी हॉटस्पॉट, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मेजर एरियाज़ हैं जो हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज बताई गई है वो है 24.46%, जहाँ आपको नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ मिलेंगी। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट और ट्रीज। सो कॉइंट जो हैं इन्होंने, नॉर्मन्स मेयर्स, इन्होंने कहा कि भाई द टर्म बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कैन बी डिफाइंड एज द रीजन विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेजम्स। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा रीजन जहाँ हाई स्पीशीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिचनेस है, ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ एनिमल्स, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे एरिया को हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, उसको हम एज दैट रीज़न इज़ नोन एज हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टू मेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर मैं किसी रीज़न को, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया या कोई भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जैसे सपोज मैं लैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए बहुत सारे फॉरेस्ट, ठीक है, तो अगर उनको बायोडायवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सपोज़ कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा रिचनेस है प्लांट्स की, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम हॉटस्पॉट डिक्लेरेशन करते हैं उस एरिया को। ठीक है, सो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स टू मेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल रीजन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया। फर्स्ट है, द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीशीज। ठीक है, उस एरिया में कम से कम 1500 स्पीशीज़ होनी चाहिए वास्कुलर प्लांट्स की। ठीक है, इट शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो है, इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। ठीक है, और उसमें भी जो 30% है वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रह रहे हों। ठीक है, इट मस्ट बी थ्रेटेंड, जो थ्रेटेंड की कंडीशन में पहुंच रहे हों। ठीक है, फॉलोइंग द क्राइटेरिया मस्ट फॉर एन एरिया टू डिक्लेयर एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो देर आर मेजर फोर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में चार ऐसे एरिया हैं जिनको हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है द हिमालयाज, सेकंड है इंडो बर्मा रीजन, थर्ड है द वेस्टर्न घाट्स और फोर्थ है सुंदरलैंड। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया एक बार फिर से आप समझ लीजिए, कम से कम 1500 स्पीशीज़ प्लांट्स की होनी चाहिए और इट मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट
दैट इज़ इट मस्ट बी थ्रेटेंड, जो कि थ्रेटेंड की कंडीशन में हो, ठीक है। 30% जैसे कि ऐसा है लॉस में जा रही है, तो उस एरिया को क्या कर देते हैं, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है द हिमालयाज, कंसीडर्ड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। द हिमालयाज ओवरऑल कंप्राइज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अगर मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नेपाल। द रीजन नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज होल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। यहाँ पे 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं, विच इंक्लूड वाइल्ड एशियन वाटर बुफेलो, वन हॉर्नेड हॉर्न रेहनो, ठीक है, एंड एज मैनी 10,000 प्लांट स्पीशीज, ऑफ विच 3160 आर एंडेमिक। दिस माउंटेन रेंज कवर नियरली 750,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना एरिया कवर किया जाता है किसके थ्रू, हिमालयाज के थ्रू, ठीक है। और हिमालयाज हैव रिचनेस इन स्पीशीज एंड प्लांट्स, ठीक है, और इसको डिक्लेयर किया गया है। सेकंड है इंडो वर्मन रीजन। द इंडो वर्मा रीजन इज स्ट्रेच्ड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2373,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका पूरा टोटल एरिया है कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है। इन द लास्ट 12 ईयर्स 6 लार्ज मैमल स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन, ठीक है। ध्यान दीजिए, 6 लार्ज मैमल स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस रीजन। द लार्ज एंटेल्ड मुंटजैक, द एनेमाइट मुंटजैक, द ग्रे शंक डॉग, द एनेमेट स्ट्रिप्ड रैबिट, द लीफ डियर एंड द सोला, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरिया स्पेशलाइज हैं इस अलग अलग तरीके के एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। दिस हॉटस्पॉट इज ऑल्सो नोन फॉर द एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो इंडो वर्मन एरिया है, इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज एंड स्पेसिफिक फॉर एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज, मोस्ट ऑफ विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। इसमें से कुछ क्या है, विलुप्त होती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करा गया, इसको एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि एक्सटिंक्शन हो रहा है इनका, ठीक है, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं और इनकी स्पीशीज, ड्यू टू ओवर हारवेस्टिंग एंड एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉस। और जो हारवेस्टिंग जो हम करते हैं, इनसे क्या हो जाता है, हैबिटेट लॉस हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं उनका जो हैबिटेट है, निवास है, वो ख़त्म हो जाता है। हैबिटेट लॉस होने के पीछे एक मेजर रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, ठीक है। हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो उनका जितने भी जीव जंतु हैं और उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है, वो क्या हो रहा है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज़ भी कम हो जाती हैं, ठीक है। सो या फिर हार्वेस्टिंग की बात करें, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो 13,000 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़। यहाँ पे 1300 अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं, उनकी स्पीशीज़ हैं, इंक्लूडिंग द थ्रेटेंड वाइट ईयर्ड नाइट हेरोन, ग्रे क्राउन्ड क्रोइक्सियस एंड द ऑरेंज नेक्ड पैटिड्स्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं जो स्पेशलाइज हैं इस एरिया में, इंडो वर्मन। नेक्स्ट जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया है, वो है वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट अलोंग द वेस्टर्न एड्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द डिसीडियस फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेन फॉरेस्ट मिलेंगे और अदर फॉरेस्ट मिलेंगे। एज पर यूनेस्को, इट इज़ होम टू लिस्ट 225 ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा एंड फौना, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड फिश स्पीशीज, ठीक है। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि भी यहाँ पे 325 ग्लोबली थ्रेटेंड जो फ्लोरा फौना बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, यहाँ पे रहते हैं। ओरिजिनली द वेजिटेशन इन दिस रीजन वाज स्प्रेड ओवर 19,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट्स, जहाँ वेजिटेशन बहुत रिच है, बट हैज़ बीन नाउ रिड्यूस्ड, जिसमें से 43,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेयर किया गया है।
द रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर द ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा एंड फौना रिप्रेजेंटेड बाई द 229 प्लांट्स, 9 प्लांट स्पीशीज, 31 मैमल स्पीशीज, ठीक है, 15 बर्ड्स, इन सब, ये सब क्या हो रहे हैं यहाँ पे, थ्रेटेंड की कंडीशन में आ गए हैं. 43 एम्फीबियन स्पीशीज, 5 रेप्टाइल स्पीशीज, 1 फिश स्पीशीज. यूनेस्को मेंशन दैट ऑफ टोटल 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज इन द वेस्टर्न घाट. ठीक है, तो यूनेस्को ने ये डिक्लेयर किया कि भाई 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो कि वेस्टर्न घाट में हैं. ठीक है, एंड 129 आर क्लासीफाई एज वल्नरेबल, जो क्रिटिकल, माइनर क्रिटिकल की कंडीशन में है. 145 एज एंडेंजर्ड एंड 51 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और 51 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्टेज पे पहुँच चुकी हैं. ठीक है, जिनका एक्सटेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. सो नोइंग इन डिटेल अबाउट द वेस्टर्न घाट विल बी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए फॉर द स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ एरियाज. यहाँ से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पीशीज, पॉपुलेशन और देयर कम्युनिटी, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट के बारे में, और यहाँ से यहाँ पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रॉपर प्रोसीड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरलैंड. द सुंदरलैंड हॉटस्पॉट लाई साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया सुंदरलैंड एंड कवर सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्नई एंड मलेशिया. इन द ईयर 2013 द सुंदरलैंड वॉज डिक्लेयर एज द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाई द यूनाइटेड नेशंस. द रीजन इन फेमस फॉर इट्स रिच टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन इकोसिस्टम. ठीक है, सुंदरलैंड इज़ वन ऑफ द बायोलॉजिकल richest हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, विच कंप्राइज 25,000 स्पीशीज वस्कुलर प्लांट्स. इसमें 25,000 स्पीशीज किसकी पाई जाती हैं, प्लांट्स की पाई जाती हैं, ऑफ विच 15 आर फाउंड ओनली फॉर द रीजन. ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया. इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडिया अकाउंट्स 7-8% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज, इंक्लूडिंग ओवर 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट. ठीक है, 91,000 स्पीशीज एनिमल्स. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इतनी 45,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं और 91,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ है. बट विद द रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनी स्पीशीज़ आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त होती जा रही हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. सो रिस्क ऑफ बिकमिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द स्पीशीज़ दैट आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं ड्यू टू द सडन डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और हैबिटेट नोन एज द एंडेंजर्ड स्पीशीज़. ठीक है, टॉप 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया. अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो जो तेज़ी से एक्सटिंक्ट हुए हैं वो हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रेट एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, नीलगिरी द और इंडियन रेहानो. ठीक है, और प्लांट्स की बात करूँ, इबोनो ट्री, इंडियन मेलो, मालबार लिली, नीलगिरी कैटकिन, ये यू और मिली वॉट. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड, टुडे सेशन.